बच्चों आज आपका पार्ट फोर चलता है विमिक सीजन का। लास्ट है आज, और आज लास्ट में विमिक का जो सिक्स आपका चलेगा, लेसन नंबर तीन है। और 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को CGS प्रतिनिधित्व कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। इस तरह का क्वेश्चन पेपर करने के लिए अंक प्रश्न आता है, तो इसमें हमें क्या दिया है, सामर्थ 100 वाट है, सामर्थ का मात्रक क्या होता है वाट, आंकिक मान कितना है 100 इसकी विमा सामर्थ की विमा यू ML2T-3। अब विमा के नियम से हम लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, N2=N1, M1/M2, L1/L2^2, T1/T2^3। जो इसका हमने डायमेंशन मेथड आपको सिखाया था, उसके आधार पर हमने यूज कर लो जो डायमेंशन दे रखी है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने का मेथड हमने सिखाया था, उस बिहेवियर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है, जो गिविन है हमें वो N1 है, और जो हमें यूनिट दे रखे वो किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, N1 की वैल्यू 100 है, N1 की वैल्यू 100 है, मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड। इसको काटते नहीं हैं, ऐसे अपने आप कट जाते हैं। 100 आपका ये आ गया, 1000 आपका ये आ गया, 100^2, तो 100^2 का मतलब 10^4, इन सबको पावर में ले जाएंगे तो 1 × 10^7 आर्ग प्रति सेकंड। N2 एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने ये चेंज कर दिया। ये आपका इस तरह का जो क्वेश्चन आता है कि 100 × 1000 × 10^4, इनको हम जितनी जीरो हैं उतनी पावर बढ़ा देंगे, 1 × 10^7 अर्ग प्रति सेकंड हमारा ये आ गया। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर जो अगला है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 क्वेश्चन में स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक 19×10^10 न्यूटन पर मीटर है, इसे डाइन पर सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, मतलब MKS परिस्थिति में गिविन है और CGS में निकालना है। तो अब हमें दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, Y=19×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, आंकिक मान N1 कितना है 19×10^11 है, तो मात्रा कितना है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी उमा कितनी है U=ML-1T-2, इसकी डायमेंशन होगी, विमा होगी, इससे हमें N2 निकालना है। तो विमा का हम नियम लगाएंगे, विमा के नियम से इसे आगे सॉल्व करेंगे। ओके, विमा के आगे से हमने विमा के नियम से बताया, N2=N1, M1/M2, L1/L2-1, T1/T2-2, N की वैल्यू रख देंगे, M1 क्या है हमारा किलोग्राम, M2 क्या है ग्राम में, L1 क्या है मीटर में, L2 क्या है सेंटीमीटर में, T1 भी सेकंड है और T2 भी सेकंड है, पावर माइनस टू ऐसे लगा देंगे। अब इसमें किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, ये लिख देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, इसको ऐसे एज इट एज लिख देंगे। अब ये जो N1 की वैल्यू ये तो ऐसी रहेगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा 1000, अब यहाँ 100 है, 100 पावर कितनी है -1, तो पड़ जाएंगे, तो 2 3 0 हैं, 3 0 में से 2 0 ख़त्म हो जाएंगे, 1 0 बचे, 1 0 से 1 पावर बढ़ा देंगे, तो 10 × 10^10 को तो कितने हो जाएंगे 9×10^11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर। इतनी सिंपल तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करा दी है, कभी गलती होने की नहीं, क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसमें गलती नहीं हो सकती आपसे, इस तरह से न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8, किसी स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान इतना है, इसका सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात करो। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है जी का मान इतना है, और हमारी जो
इसकी n1 है, आंकिक मान है वो हमारा 10 है, इसकी डायमेंशन कितनी है LT-2 है। इसको डायमेंशन के नियम से हम n2=n1 L1/L2 T1/T2 का -2, तो n1 की वैल्यू रख देंगे, L1 की L2 की वैल्यू रखेंगे, सेकंड। अब हमें इसको सेकंड को मिनट में बनाना है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर रख देंगे, या मिनट बनाएंगे 60 सेकंड, मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो हमने 60 सेकंड लिख देंगे। अब ये अपॉन से ऊपर जाएगा, 60 की 60 में करोगे 3600 100 10 सब की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड। अब इसमें क्या होगा, अच्छा सेंटीमीटर कर गया और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 60 की 60 में करोगे 3600 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो 36×10^5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हमारा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हुए। देखिए मैं आपको जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, एक भी न्यूमेरिकल आपके छोड़ नहीं रहा हूँ, पहले न्यूमेरिकल को लिखता हूँ, फिर उसको क्या गिवन है वो बताता हूँ, फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फिर उसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। इतनी बारीकी से कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ जिससे आपका एक भी स्टेप ना छूट जाए। लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं छोड़ा है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट इसका डेरिवेशन होता है वो लास्ट में कराता हूँ। ये आपका डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें यह है, माध्यम में ध्वनि की चाल भी प्रत्यास्था ई और घनत्व डी पर निर्भर करती है, तो इसका चाल का सूत्र याद कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसे हम कैसे करा जाए, तो जो चीज़ हमें गिवन होती है पहले वो लिखते हैं। इसमें हमें क्या मानना होता है, हमें विमा से करना है, तो विमा से करने के लिए क्या मानते हैं, घात। तो माना चाल वी प्रत्यास्था ई, चाल जो वी है प्रत्यास्था ई की घात क्या है 1 तथा डी की घात कितनी है 2 हो, तो सिद्धांत अनुसार वी प्रोपोर्शनल ई की पावर है डी की पावर 2, प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, तो V=K ई की पावर है डी की पावर 2। विमा रखने पर, विमा रखते हैं LT-1 वी की मार दी, के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की मानी रखी जाती है, विमाहीन होता है, हमने डायमेंशन पहले बता दिया आपको। ई की डायमेंशन कहती है ML-1 T-2 होती है, तो इसमें पावर ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ डी है, डी की डायमेंशन कितनी होती है ML-3, तो यहाँ ऊपर घात कितनी है बी, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम की घात बी, एल की घात -3 भी। अब इसमें सबको कंबाइन करेंगे, एम के एक साथ, एल के एक साथ, टी के एक साथ, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी आपकी, राइट हैंड साइड में एम एक साथ, एल एक साथ, टी एक साथ कर दिए। अब इसकी हमें कंपेयर करनी, तुलना करनी है। जब तुलना करेंगे, पहला स्टेप हमने ले लिया टाइम के लिए, यहाँ टाइम की कितनी है -2a, यहाँ टाइम कितनी है -1, तो -2a की वैल्यू को -1 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा a की पावर 1/2 माइनस क्या हो गया प्लस, तो a की वैल्यू 1/2 होगी। अब हमें l की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़रूरत यहाँ m की पावर यहाँ कितनी है a प्लस b, यहाँ m है ही, तो हम पहले ये लेके चलेंगे a+b=0, तो a=-b, तो अब यहाँ हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू तो हमें पता है, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। अब ये a और b की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण में क्या है v=k e की पावर हाफ d की पावर -1/2, माइनस है तो नीचे आ जाएगी, e की पावर हाफ और d की पावर हाफ को क्या लिखेंगे रूट में, तो v=k √e/d, e क्या है प्रत्यास्थ गुणा, d क्या है घनत्व, और वायु में k का मान कितना होता है 1, तो v की वैल्यू कितनी होगी √e/d मीटर पर सेकेंड। ये आपका आज डायमेंशन का चैप्टर ख़त्म हुआ, और अगले टर्न पर अगले नेक्स्ट डे से नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। इसे तैयार करना, और ये टेस्ट के लिए तैयार करना है, टेस्ट आपको बना के दिया जाएगा। ओके।